मन्ना नेहरू, आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल बॉक्स के बारे में कि अगर आप मेडिकल बॉक्स खरीदे हैं पहली बार, आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, और मेडिकल बॉक्स का जो मोबाइल ड्राइवर है जो कि सारे के सारे मोबाइल को बूट करता है मेडिकल बॉक्स से, तो मेडिकल बॉक्स का मोबाइल ड्राइवर का जो सेटअप फाइल है उसे आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, और मेडिकल बॉक्स का जो मेडिकल की है उसे आप ऑनलाइन एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूं और करके दिखाने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार मेडिकल बॉक्स खरीदेंगे तो आपको साथ में क्या क्या सामान मिल सकता है। मेडिकल का जो फिटिंग है, केबल है, वो सारा का सारा आपको मिलेगा, और उसके बाद मेडिकल की आपको मिलेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये मेडिकल का जो केबल है जो कि मेडिकल बॉक्स में लगा करके अपने सिस्टम में आपको लगाना है, ये केबल आपको साथ में मिलेगा। उसके बाद आपको ये बूट वाला जो केबल मिलेगा जो मोबाइल को बूट करता है मेडिकल बॉक्स से, तो ये सारा का सारा केबल आपको पूरा पैकेट मिलेगा। इस केबल को आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। ये LG 3500 केबल है, ये LG 3500 का जितना भी मोबाइल होगा उस सब में आप लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो गो वायर है माइनस प्लस का जो मेडिकल बॉक्स से लगा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है, और इस केबल को आपको मोबाइल के जो बैटरी कनेक्टर है उसके माइनस प्लस पर आपको लगाना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मेडिकल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बारे में। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि दो तरह का जो सेटअप फाइल मेरे पास है, एक है मेडिकल बॉक्स का सेटअप फाइल, दूसरा है मेडिकल मोबाइल ड्राइवर का सेटअप फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेडिकल बॉक्स का सेटअप फाइल को इंस्टॉल करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सेटअप फाइल इंस्टॉल करने से पहले आपको ना तो मेडिकल की लगाना है अपने सिस्टम में और ना ही मेडिकल बॉक्स आपको लगाना है अपने सिस्टम में। पहले आपको जो मेडिकल का जो सेटअप फाइल है वो आपको इंस्टॉल करना है। मेडिकल बॉक्स का जब सेटअप फाइल इंस्टॉल हो जाए तो बाद में आपको मोबाइल का जो सेटअप फाइल है, मोबाइल ड्राइवर जो के सारे मोबाइल को मेडिकल बॉक्स से बूट करेगा, तो उस मोबाइल ड्राइवर का सेटअप फाइल को आपको इंस्टॉल करना है दूसरे नंबर पर। लेकिन सबसे पहले आपको मेडिकल बॉक्स का सेटअप फाइल इंस्टॉल करना होगा। और इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें दिखाने वाला हूँ, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिकल की जो है उसको आप ऑनलाइन एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप मेडिकल बॉक्स का जब सेटअप फाइल इंस्टॉल करेंगे तो साथ में मेडिकल बॉक्स का जो USB ड्राइवर होगा वो भी साथ ही साथ इंस्टॉल हो जाएगा आपका, और इंस्टॉल आपको करना है। ठीक है, और मेडिकल बॉक्स का जो मोबाइल ड्राइवर है जो कि सारे मोबाइल को बूट करता है उसको आपको बाद में करना है। ठीक है, उसका सेटअप फाइल अलग से होता है और उसे आपको बाद में इंस्टॉल करना है दूसरे नंबर पर। तो मेडिकल बॉक्स का सेटअप फाइल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब हम मेडिकल बॉक्स का जो मोबाइल ड्राइवर है सेटअप फाइल उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो जब आप मेडिकल बॉक्स का जो मोबाइल ड्राइवर है उसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपको एग्री पर टिक लगाना है और नेक्स्ट करना है। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो मोबाइल का ड्राइवर है सारा का सारा यहाँ पे दिखा रहा है, और हमें यहाँ पे एक एक करके बारी बारी से इसे इंस्टॉल करना है।
दोस्तों अगर आप ये सारा का सारा ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका जो मोबाइल है मेडिकल बॉक्स से बूट नहीं करेगा, इसलिए बिल्कुल ज़रूरी है ये। और ये सारा का सारा ड्राइवर आपको एक एक करके बारी बारी से आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर दिया है, इसी तरह से हम सारे के सारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नोकिया मोबाइल का जो है ड्राइवर है, इसे भी हमें इंस्टॉल करना है ताकि नोकिया मोबाइल हमारा मेडिकल बॉक्स से बूट करे और नोकिया मोबाइल को हम अनलॉक कर सके, फ्लैशिंग कर सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी का जो नोकिया मोबाइल आ रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया का जो खरीदा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी मोबाइल आ रहा है वो सारी की सारी जो है मेडिकल बॉक्स में ही अनलॉक होगा और फ्लैशिंग होगा, ठीक है। इसलिए हमें जो है मेडिकल बॉक्स में जो नोकिया का जो ड्राइवर है इंस्टॉल करना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे सारा का सारा जो है मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप फाइल है वो आपके कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हो जाए, तो उसके बाद आपको मेडिकल बॉक्स लगाना है अपने सिस्टम में। और जैसे आप अपने मेडिकल बॉक्स को अपने सिस्टम में लगाएंगे, पीछे में एक ऑन ऑफ स्विच है, उसे आप ऑन कर देंगे, और जैसे ऑन करेंगे तो मेडिकल बॉक्स का जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली अपने आपके सिस्टम में ले लेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेडिकल बॉक्स का ड्राइवर ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो उसके बाद आपको अब मेडिकल की लगाना है अपने सिस्टम में, और मेडिकल की जब लगाएंगे तो उसका भी ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद आप अपने सिस्टम के डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में जाकर के देखेंगे कि आपका मेडिकल बॉक्स का जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिकली लिया कि नहीं, और मेडिकल की जो है उसका ड्राइवर लिया है कि नहीं। अगर मान ले लिया दोनों का ड्राइवर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया तो आप उस ड्राइवर पर क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। और जब आप मेडिकल बॉक्स को जब ओपन करेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उससे पहले आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरनेट का जो है मेडिकल बॉक्स ओपन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करना ही होगा अपने सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन किया तो नीचे में जो मेडिकल का आइकन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो सामने डेस्कटॉप पर नहीं आया अभी तक, कुछ लेट लगता है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेडिकल बॉक्स जो ओपन हो चुका है, अब इसे हमें एक्टिवेट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेडिकल की को एक्टिवेट करने के लिए आपको अबाउट पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे मेडिकल की को तो तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ स्टार्ट का बटन देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन आपके मेडिकल मैं आपका नहीं आएगा, और हमने रजिस्टर कर लिया है पहले से इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ अबाउट पर क्लिक करना है। अबाउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट बार पहली बार आप मेडिकल की को एक्टिवेट करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड आपको बना के डालना है अपना नया, और उसके बाद कंट्री डीलर में आपको क्लिक करके कंट्री डीलर आपको सेलेक्ट करना है, यानी जिस डीलर से आप मेडिकल बॉक्स खरीदे हैं उसका नाम आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है, और आपका मेडिकल की जो है ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा।
और जो यूजर नेम पासवर्ड आप ऊपर में डालेंगे तो उसे आपको अपने डायरी में लिख लेना, ताकि बाद में कोई अगर मेडिकल की में आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो और ईमेल आईडी है, इनके जरिए से आपको दोबारा ये जो है सुविधा आपको मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में लिख करके आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई संदेह है आपको तो आप हमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।